इन the प्रीवियस सेक्शंस वी were टॉकिंग अबाउट एलोकेटिंग आर टोटल इन्वेस्टमेंट इन the रिस्की एंड the risk free एसेट तो so, हमने अपनी जो डिस्कशन थी उसको सिंपल बनाने के लिए एस्यूम किया था कि हमारे पास सिर्फ दो एसेट्स हैं एक रिस्की है दूसरा रिस्क फ्री है तो हम हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको इन दोनों में कैसे बांटेंगे तो so, हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था मगर जब हम रियल लाइफ को देखते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हों जिनमें एक रिस्क फ्री है दूसरा रिस्की है दे कुचन इन विच यू हैव बीन आज टू पोर्टफोलियो इन विच मैनी रिस्की एसेट्स आर इन्वॉल्व तो अगर तो आपको चॉइस करना है बिटवीन रिस्की एंड रिस्क फ्री सिर्फ दो तरह के एसेट्स में, तो तो हम सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर करते हैं लेकिन जब रिस्की एसेट्स एक से ज़्यादा हों कई सारे हैं तो फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन के अलावा जो एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे अपने ज़्यादा बेहतर एनालिसिस करने के लिए दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन और एक और कॉन्सेप्ट जो कि कोरिलेशन से रिलेटेड है दैट इज़ कोवेरियंस तो हम कोवेरियंस और कोरिलेशन को भी अकाउंट फॉर हमें करना पड़ेगा जब हम ऐसे सिचुएशंस को डील कर रहे हैं या ऐसे पोर्टफोलियोज को डील कर रहे हैं जहाँ एक से ज्यादा रिस्की एसेट्स इन्वाल्व हैं तो अभी हम उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स हाउ दे आर लिंक हाउ दे आर कंसिडर्ड वेन वी हैव टू डिसाइड फॉर आर पोर्टफोलियो इन विच मोर देन वन रिस्की एसेट्स अलॉन्ग रिस्क फ्री एसेट्स आर टू बी टेकन इन टू अकाउंट पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड करती है कोरिलेशन कोरिलेशन का क्या मतलब है कि जब आप रिस्की एसेट्स की रिटर्न को लेने जा रहे हैं तो वो रिटर्न्स की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो एक ही तरह की हैं या मुख्तलिफ नौीय की हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने के लिए हम कोवेरियंस और कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कोवेरियंस और कोरिलेशन हमें ऐसा पैमाना या मा बताते हैं जो कि डिफाइन करता है द एक्सटेंट टू विच द रिटर्न ऑफ द टू रिस्की एसेट्स विल वेरी दे विल वेरी टुगेदर या देर आर सर्टन डिफरेंसेस तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक दूसरे से मि से मिल जुल के वाली मूवमेंट नहीं है या सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक दूसरे वही हालात जो कि एक को इफेक्ट करें वो दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं तो फिर नेचुरली दोनों का जो वेरिएशन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा देर कुड बी वी कैन सी दैट देर कुड बी पॉसिबिलिटी ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन द चेंजेस इन द रिटर्न ऑफ द टूरिस्ट की एसेट्स वो काफ़ी स्ट्रांग है या वो वीक है या वहाँ कोई भी एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम ऐसे पोर्टफोलियो की बात करें जहाँ दो एक से ज़्यादा रिस्की एसेट्स इन्वॉल्व हैं तो इफ़ नाउ टू एसेट पोर्टफोलियो रिटर्न का तो हमने सिंपल सा इक्वेशन था बनाया था कि हमारे पास डब्ल्यू इज़ द प्रपोर्शन जो आपने एक तरह के एसेट में टोटल इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन डालना है तो हम अभी कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें दो रिस्की एसेट्स को हम अकाउंट फॉर करें हैं नाउ इन दिस केस इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हाउ डैट विल बी कैल्कुलेटेड इट्स वेरी सिम्पल आपने एक क्वेश्चन बहुत दफ़ा पहले से देखी हुई है आट मल्टीपल टाइम्स कि आपने सिंपली क्या करना होता है हर एक रिस्की एसेट की रिटर्न लेनी है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी है उसके साथ तो उसका वेट लगाना है वेट का मतलब है कितना परपॉर्सन टोटल इन्वेस्टमेंट का इस पर्टर रिस्की एसेट में जा रहा है उन वेट्स के साथ में उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न पूरा पोर्टफोलियो का का आ जाएगा। मतलब है यानी मीन आप उसका निकाल रहे हो और मीन को निकाल के आपने उसके ऊपर पोर्शन मल्टीप्लाई करके दोनों के साथ ये करके आपने उसको जमा कर देना है तो आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आएगा यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके पास दो रिस्की एसेट की बजाय पचास रिस्की एसेट्स हैं तो फिर क्या करेंगे हम उन तमाम की एक्सपेक्टेड रिटर्न लेंगे उनकी वेट से उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके ये सपोज़ फिफ्टी का परपोर्शन है फिफ्टीथ की एक्सपेक्टेड रिटर्न है इनको एडअप कर देंगे तो आपके पास फिफ्टी रिस्की एसेट्स की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगी तो जब आपने जो भी पोर्टफोलियो की कम्पोजिशन बनानी है एफिशिएंट फ्रंटियर्स डिसन करनी है ऑप्टिमल एलोकेशन करनी है तो आपको ये हर हालत में निकालना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितने रिस्की एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं नाउ द अदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन विच वी हैव टू लुक एट वेन वी आर प्लानिंग टू गो फॉर एफिशियंट डाइवर्सिफिकेशन विद मैनी रिस्की एसेट्स और हम अभी करें कि हम सिर्फ दो रिस्की एसेट्स की बात करें तो आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस का जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज सिग्मा स्क्वायर और वो कैसे निकल के आएगा दैट इज सिंपली द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेट वन का स्क्वायर ले लिया वन माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर लिया उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करके आपने ये जो एक और अहम चीज इसमें ऐड हुई हुई है उसके अंदर ये दोनों चीज़ों को जमा करना है नाउ इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग ये जो प्लस के बाद आ रही है ये क्या चीज़ है दिस इज सिंपली वी हैव अकाउंटेड फॉर जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपके पास एक से ज़्यादा रिस्की एसेट्स होंगे तो वहाँ बहुत अहम रोल प्ले करेगी कॉन्सेप्ट इसका कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट तो आपने यहाँ पे वेट्स को अकाउंट फॉर करके को अकाउंट फॉर की है मल्टीप्लाइड बाय सिकमा वन मल्टीप्लाइड बाय सिकमा टू और इफ़ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग ये जो चीज़ ये हिस्सा देखेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला मैनी रिस्क एसेट्स के केस में तो इस ये पर्टिकुलर चीज़ कोवेरियंस का फॉर्मूला है कोवेरियंस का मतलब क्या होता है कि दो एसेट्स की रिटर्न किस एक्सटेंट तक साथ में वेरी करते हैं सो इफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू एसेट्स इज वेरी लो तो कोवेरियंस विल बी क्लोजर टू जीरो और अगर बहुत हाई होगा तो उतनी बड़ी वैल्यू नहीं राइट right? इसी कोवेरियंस को जब आप यूनिट फ्री कर देते हैं करना चाहते हैं तो फिर आप कोवेरियंस की वैल्यू को सिग्मा वन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा टू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू आ जाए और कोरिलेशन की वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ सो so ये जो एंड में हमने देखा है वेट्स के प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है टर्म दैट इज द कोवेरियंस कोवेरियंस बिटवीन द द ऑफ टू रिस्की एसेट्स इज डिफाइंड एज रो इसको हम ये जो पी जैसी शक्ल बनी हुई है इसको हम रो बोलते हैं रो को रिलेशन कोफिशेंट है तो हम दो रिस्की एसेट ले रहे हैं वन और टू इसलिए मैंने यहाँ वन कॉमा टू लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप सिग्मा वन सिग्मा टू से सिग्मा वन क्या है सिग्मा वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्की एसेट वन सिग्मा टू इज द स्टैंड ऑफ द रिस्की टू राइट ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम रो वन टू के साथ में तो आपको कोवेरियंस की वैल्यू पता चल जाएगी इसी फॉर्मूला की मदद से हम को की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास सिग्मा सिग्मा वन सिग्मा टू और कोवेरियंस बिटवीन आर वन एंड आर टू की वैल्यूज आपको पता हो तो आप उससे कोरिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं नाउ हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी फिर मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी एसेट अगर रिस्क फ्री है तो उसकी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो तो हम इसको अभी मुख्तसर बनाने के लिए स्यूम कर सकते हैं कि लेट सपोज जो हमारा एसेट टू है वो रिस्की नहीं है वो रिस्क फ्री है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी राइट तो इफ़ यू वॉन्ट टू तो अकाउंट फॉर एनी रिस्क फ्री एसेट तो आप उसकी सिग्मा को ज़ीरो करेंगे नाउ आई एम गो टू एक्सप्लेन को रिलेशन कॉफिशंट की वैल्यू ठीक है तो उसको हम रिप्रजेंट करते हैं रो वन टू से नाउ अगर आपकी एसेट आपने उसको लेबल किया हुआ ए बी या सी डी या थ्री फोर तो हम उसको बोलेंगे फिर रो सी एंड डी रो सी एंड डी का मतलब है को रिलेशन कॉफिशंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ स्टॉक और एसेट सी एंड एसेट राइट right? तो आप कोई भी सिंबल यहाँ लगा के इसके नोटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ वी नो के कोरिलेशन कॉफिशन की जो वैल्यू है वो माइनस वन से लेके प्लस वन के दरमियान में वेरी करती है अगर प्लस वन है तो हम कहते हैं स्ट्रोंग पॉजिटिव एसोसिएशन है रिटर्न की दो जो आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर किया हुआ यहाँ अगर वो माइनस वन के करीब निकल आती है वैल्यू तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन तो है मगर दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और अगर इफ टू बी क्लोजर टू जीरो जिसकी आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं नाउ रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ इन द केस ऑफ टू रिस्की एसेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक टेबल लिया है टेक्स्ट बुक से जो हम फॉलो कर रहे हैं इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करने जा रही हूँ कि जब आप एक से ज़्यादा रिस्की एसेट्स को अकाउंट फॉर करेंगे तो आपके फैसला किस पोर्टफोलियो में आपको इवेंचुअली इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और डेविएशन की वैल्यू पे आप डिपेंड नहीं करेगा यू विल हैव टू कंसिडर के कोरिलेशन की वैल्यू क्या है यानी कि दोनों रिस्की एसेट्स की रिटर्न्स की आपस की जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है वो भी एक अहम रोल प्ले करेगी इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो अभी यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने तीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन लिए हैं सबसे पहले कोरिलेशन की वैल्यू ली है वन फिर हमने जीरो पॉइंट फाइव ली है फिर हमने ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो लिया है इसका मतलब है कि दोनों रिस्की एसेट्स की रिटर्न में आपस में कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती नाउ अगर हम एस्यूम करें जैसे हमने पिछले टेबल में डिस्कस किया था कि अगर हम रिस्की एसेट टू में तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट कर दें यानी कि हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट हम रिस्की एसेट टू में डाल दें तो हमें टोटल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने वाली है दैट इज एट परसेंट और इस सिचुएशन में हम एक्सपोज हो रहे हैं जिस रिस्क से वो फिफ्टीन परसेंट है नाउ इफ वी ग्रेजुअली इंक्रीज़ द परपोर्शन इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेट वन एंड रिड्यूस द परपॉर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट टू तो वी कैन हैव दीज फोर कॉम्बिनेशन ये चार कॉम्बिनेशन लिए हैं। कहाँ किया है हमने कि हमारी जो कोरुलेशन की वैल्यू है वो वन है तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपने अपने रिस्की एसेट टू से पैसे कम करने शुरू किए हैं और रिस्क एसेट टू वन में ज़्यादा पैसे की प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट की करनी शुरू कर दी है आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम एट टू तो नाइन पॉइंट फाइव फिर एलेवन परसेंट फिर वो साढ़े बारह परसेंट पर चली गई है और साथ ही में अगर आप देखें कि हमारे रिस्क के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है तो आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न तो इंक्रीज कर रही है बट एट द सेम टाइम

आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ रही है साथ ही में आपका जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाजन है जो कि रिस्क का इंडिकेटर है वो भी इंक्रीज कर रहा है नाउ इफ यू अस्यूम दैट इंस्टेड ऑफ वन एज द कोरिलेशन रिलेशन कॉफिशेंट वैल्यू इट इज़ नॉट पॉइंट फाइव यू कैन सी अ सिमिलर बिहेवियर कि आप जैसे जैसे परपॉर्शन रिस्क एसेट टू में कम करते जाते हैं वैसे ही आपका जो परपॉर्शन बढ़ता है रिस्की एसेट वन में तो आपकी जो रिटर्न है वो इंक्रीज कर रही है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम नाइन पॉइंट थ्री एट से वो बढ़ के ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो हो गई है और साथ ही में आपका जो रिस्क है वो भी इंक्रीज कर गया है लेकिन जो अहम बात देखने की है वो क्या है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है दोनों रिस्की एसेट्स के उनका रिस्क वो सारे का सारा सेम है मगर जो वैल्यू है कोरिलेशन की वो फ़र्क करने से आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और स्टैंडर्डाइजिएशन दोनों में तब्दीली आ रही दोनों फ़र्क हो रहे हैं राइट right? दोनों की वैल्यूज जो हैं, वो altogether different है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है नाउ इफ़ यू स्यूम के कोरिलेशन कॉफिशन बिटवीन द टू रिस्क एसेट्स इज ज़ीरो तो हम अगर ऐसे करें कि सेवेंटी फाइव परसेंट अपना प्रपोर्शन रिस्की टू में रखें और ट्वेंटी फाइव परसेंट टोटल इन्वेस्टमेंट रिस्क वन में डालें रिस्की एसेट वन में तो फिर हमें जो रिटर्न मिलेगी दैट इज़ नाइन पॉइंट फाइव जीरो एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो इसके ऊपर हमारा रिस्क है स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू दैट इज 12.3 इस पूरे एनालिसिस को जब हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन है यानी कि रिस्क दैट इज 12 परसेंट इन तमाम वैल्यूज को अगर आप स्कैन करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सो द लोएस्ट रिस्क इज अचीव्ड वेन वी आर इन्वेस्टिंग सिक्सटी फोर परसेंट

को जो उसके कारस्पॉन्डिंग जो भी आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है दैट इज टेन पॉइंट वन सिक्स अगर आप इसके फर्दर नीचे जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है मगर उसके साथ ही में आपकी जो रिस्क है वो भी इंक्रीज कर रही है यू कैन सी ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिफ्टीन पॉइंट फोर सिक्स तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन दिस टेबल द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर द इन्वेस्टर इज़ टू गो फॉर थर्टी सिक्स परसेंट इन इन्वेस्टमेंट इन द रिस्की एसेट वन सिक्सटी फोर परसेंट इन्वेस्टमेंट टोटल ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट टू और ऐसा करने से उसको जो रिस्क लेना पड़ा है दैट इज़ ट्वेल्व परसेंट लेकिन जो उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा दैट वुड बी टेन पॉइंट वन सिक्स नाउ इसी पर्टिकुलर ग्राफ को अगर हम को के मदद से ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास रिस्की एसेट्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड रिड ऑफ कर्व्स डेवलप होती हैं यू कैन सी दैट इन दिस ग्राफ विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एट द मोमेंट अगर हमारे पास कोरिलेशन कॉफिशेंट वन है तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है लेकिन जैसे जैसे कोरिलेशन की वैल्यू वेरी करती है आपको यहाँ वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है कि ये कर्व्स बन रहे हैं हमारे पास फाइन सो दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द कोरोन की वैल्यू 1.0 इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है प्लस 0.5 अगर हम एज्यूम करें कि हमारी वैल्यू ऑफ कोरिलेशन जीरो है तो फिर आपके पास ये कर्व आता है और माइनस जीरो के ऊपर आपके पास ये कर्व आया है और माइनस वन के ऊपर आपके पास ये लाइन्स की इंटरसेक्शन बनती है इस पॉइंट के ऊपर ये वाली शेप आपके पास बनती है तो नाउ अगैन वी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन वी डिस्कस दैट वॉज प्रेजेंटेड इन द टेबल आप देख सकते हैं कि जब टेबल पे हमने देखा इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो हमने अस्यूम किया था कि कहाँ हमें सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क देखने को मिल रहा था दैट वाज 12% कोरिस्पोंडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैन थर्टी ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज़ इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेड 1 एंड ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इनकी एसेड 2 तब आपको जो हील्ड है आ रहा है या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है that is तो, you will see there, और उसके ऊपर जो कुरेशन की वैल्यू है दैट इज जीरो तो वी कैन से दैट दिस इज दैट ग्राफ ऑफ जीरो जिसके ऊपर आप अभी फॉल कर रहे हैं और आपने जो डिसाइड किया है अपने लिए पोर्टफोलियो विथ थर्टी सिक्स परसेंट इन रिस्क एसेट वन विथ सिक्सटी फोर परसेंट इन रिस्क की एसेट टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपने जो अर्न करेंगे ऐसा करने से दैट वुड बी टेन पॉइंट वन फाइव परसेंट रिस्क आप ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एवियशन एक रिलेशन कॉफिशन की वैल्यू जीरो है तो आपने ये पोर्टफोलियो क्यों चुना उसके पीछे वजह ये थी कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिस्क की वैल्यू थी यानी कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन की वैल्यू थी वो तमाम गिवन पॉसिबल ऑप्शन में सबसे छोटी थी तो इसका मतलब है कि जो पोर्टफोलियो को चूज किया है इस पर हमने जो क्राइटेरिया लगाया है दैट इज़ टर्म्ड एज द मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो फाइन सो हम जब हम पोर्टफोलियोज को डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो देर पुड बी मल्टीपल क्राइटेरियाज लेकिन उनमें एक क्राइटेरिया क्या है दैट इज टर्म्ड एज द मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो कि पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन द दो पोर्टफोलियोज जिसकी सबसे छोटी वेरियंस है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद थी इन्वेस्टमेंट की उनमें सबसे छोटा वेरियंस और सबसे छोटा स्टैंडर्ड एविएशन वॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोर्टफोलियो वेन यू वर इन्वेस्टिंग थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेड वन 64 in the other risky asset and you were able you are now going you can generate an expected rate of return equivalent to 10.115 and the criteria which you have used is the minimum variance criteria hence we will come up with a portfolio that is termed as that can be stated as the minimum variance portfolio so that is one way of selecting a portfolio